हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम लेकर के चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम देखेंगे कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है मूलधन मिश्रधन, ये होता क्या है। एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं दोस्तों, बेसिक से शुरुआत करते हैं कि ब्याज क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम ब्याज, जो इंटरेस्ट है ये हमारा होता क्या है। हम जानते हैं कि जैसे अगर हमें किसी कार्य के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है, या किसी हम क्या करते हैं जब ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी साहूकार से उधार लेते हैं, ठीक, और या कि हम क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं। अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं या हम किसी साहूकार से क्या करते हैं उधार लेते हैं, तो दूसरे का धन लेकर के हम उपयोग करते हैं उसका। अब उपयोग करने का मतलब हम अपने कार्य को करते हैं और कुछ समय पश्चात उस धन को, यानी जितना हम धन लिए रहते हैं, जितना अमाउंट हम लिए हैं, उतने अमाउंट को हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं लौटाते हैं, रिटर्न करते हैं। उसके साथ में कुछ अतिरिक्त पैसे को भी लौटाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ब्याज कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, साहूकार या बैंक से 10,000 रुपये का क्या किया लोन लिया। कितना लिया? 10,000 रुपये। लेकिन एक वर्ष यूज करने के पश्चात मान लीजिए हमने उसे 12,000 रुपये क्या किया रिटर्न किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अतिरिक्त हम देख रहे हैं कितना दे रहे हैं, 10,000 लिए थे लेकिन दे कितना रहे हैं 12,000, यानी अतिरिक्त धन हम उसको 2,000 रुपये दे रहे हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, अतिरिक्त धन, ब्याज कहलाता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ब्याज क्या होता है। अब हम देखेंगे ब्याज, तो लिखेंगे जब हम किसी साहूकार या बैंक से कुछ रुपए ऋण या उधार लेते हैं, तो एक निश्चित समय पश्चात हम कुछ और अतिरिक्त धन उसे वापस करते हैं। यही ब्याज कहलाता है। देखिए मित्रों, करना क्या है, यहाँ पर हम देख रहे थे ब्याज। तो ब्याज में हमने बताया कि ब्याज होता क्या है। तो ब्याज में हमने देखा है कि जब हम किसी साहूकार या बैंक से कुछ रुपए ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं, तो एक निश्चित समय पश्चात हम कुछ और अतिरिक्त धन उसे वापस करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं ब्याज। जैसे अभी हमने बताया कि हमने क्या किया, 10,000 रुपये उधार लिया और कुछ निश्चित समय पश्चात या एक वर्ष या दो वर्ष पश्चात उसको हमने कितना रिटर्न किया, 12,000 रुपये वापस किया। तो यहाँ पर जो 2,000 रुपये अतिरिक्त धन आ रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, इसका ब्याज कहलाता है। ठीक, अब देखिए ब्याज लगता किसका है, ये तो हो गया ब्याज की बात कर लिए। अब ब्याज के लिए देखिए क्या होता है, जब हम मूलधन होता है हमारा, मूलधन हमारा जो प्रिंसिपल होता है, पेमेंट होता है, ये है क्या। अब हमें जो ब्याज देना होता है, हम किसका ब्याज देते हैं, तो यहाँ पर हम मूलधन का ब्याज देते हैं। मूलधन क्या होता है कि मूलधन वह धन है जिसे हम क्या करते हैं किसी बैंक या साहूकार से उधार लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे वह धन जिसे हम किसी बैंक या साहूकार से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं,
क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो यहां पर हमने देखा ये मूलधन है, और मूलधन में हमने बताया कि जैसे अभी हमने क्या किया था, 10,000 रुपया उधार लिया था, तो ये 10,000 रुपया ही हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन, क्योंकि प्रारंभ में ली गई राशि हमारी क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। तो प्रारंभ में मूलधन राशि क्या था? जो हमने बैंक या किसी साहूकार से क्या था, उधार लिया था या ऋण लिया था, यही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन। चलिए अब हम देखते हैं मिश्र धन क्या होता है। किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो एक निश्चित और निश्चित अवधि या निश्चित समय पश्चात उसे हम कुछ अतिरिक्त पैसा लौटाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन या ब्याज कहलाता है, सॉरी, यही हमारा ब्याज कहलाता है, जो उसका धन है। तो अब मिश्र धन की बात करेंगे, तो मिश्र धन क्या होता है कि जब हम मूलधन के साथ यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिश्र धन की। तो मिश्र धन हमने देखा कि जब हम मूलधन के साथ हम क्या कर रहे थे, जो हमारा मूलधन था, मूलधन हमने क्या मान लिया था, जैसे अभी हमने बताया कि 10,000 रुपया हमने ये क्या किया, किसी से उधार लिया। अब जिसने उधार दिया है, यानी कि हमने जिससे उधार लिया है, तो ये हमारा 10,000 रुपया क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। और हमने ये भी बताया कि कुछ समय पश्चात हमने क्या किया, उसे 12,000 रुपये उधार यानी उसका रिटर्न कर दिए। 2 वर्ष पश्चात हम मान रहे हैं उसे हमने रिटर्न किया, तो ये जो 2 वर्ष है पश्चात ये जो 12,000 है, ये हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अब मूलधन में ये दोनों का जो डिफरेंस है देख रहे हैं, 2,000 का ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। तो हमने क्या बताया, सॉरी, ये मूलधन ना होकर के क्या होगा? मिश्र धन। क्या होगा? मिश्र। तो हमने क्या बताया कि मूलधन में अगर हम ब्याज को अतिरिक्त जोड़ देंगे, जो अतिरिक्त धन होता है अर्थात ब्याज होता है, इसको अगर हम दोनों का योग कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे ब्याज की। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन टॉपिक है, ये क्या है हमारा? ब्याज है। तो ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज हमारा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ब्याज हमारा जो होता है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला जो होता है ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ESI जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। एक तो और होता है जिसे हम लोग CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो इन दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है। तो अगर हम बात करेंगे, टॉपिक पहला हम लेंगे साधारण ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हमने बताया कि साधारण ब्याज हम देखेंगे कि जो ब्याज केवल मूलधन पर, यहां बात हो रही है सिर्फ मूलधन पर, केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए लगाई जाती है, निश्चित अवधि के लिए लगाई जाए, साधारण ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। देखिए दोनों में अंतर है, अंतर में हम पहले देख रहे हैं साधारण ब्याज क्या होता है, तो
तो साधारण ब्याज में हमने बताया कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है, जैसे हमने क्या बताया था अभी 10,000 रुपए का मूलधन था, अब इसने 2 वर्ष के लिए इसको ब्याज मिला कितना 2,000 रुपए। अब इसका ब्याज का जो रेट है ये 5% है कि कितना है, जितना भी होगा ठीक है, जो भी इसका दर होगा, तो ये एक निश्चित समय के लिए लगाया जाएगा। किसके लिए लगाया जाएगा? निश्चित समय के लिए मूलधन पर क्या होता है, ब्याज लगा दिया जाता है, ये साधारण ब्याज होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, क्या होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि एक बार, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, छमाही होता है, यानी 6 मंथ पे होता है, 3 मंथ पे होता है, या ईयरली होता है, 1 वर्ष पे होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हम मान ले रहे हैं 10,000 है, 1 वर्ष का ब्याज इसका 1,000 रुपया हो गया, तो दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा ये क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे 11,000 हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष क्या होगा हमारा मूलधन 11,000 बनता है, और एक क्या होता है दूसरे वर्ष का ब्याज फिर शुरू होता है। अर्थात अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे कि जब मूलधन और ब्याज को मिला करके फिर से उस पर ब्याज लगाई जाती है, यह इसकी जो समय होता है ये क्या होता है, अनिश्चित होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक, चलिए अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उनको देखते हैं। चलिए देखिए, साधारण ब्याज को सॉल्व करते समय हमें किन किन फार्मूलों का, किन किन सूत्रों का यूज होगा, तो हम सबसे देखेंगे पहले कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। अब हम मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज की फार्मूला। अगर यही दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे इसका, हम मान लेते हैं मूलधन, अगर हमें मूलधन निकालना हो ठीक है, वहाँ पर अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमें मूलधन ज्ञात करना होगा तो मूलधन के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ध्यान देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 100 से डिवाइड था, सूत्र को फार्मूले को समझिए, क्या करेंगे 100 का डिवाइड है तो साधारण ब्याज इस साइड में है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अब साधारण ब्याज हो गया, क्या हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज। अब इस साधारण ब्याज में हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस साइड देखिए क्या है कि अब मूलधन का हमें फार्मूला निकालना था, तो मूलधन को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, हमने यहीं छोड़ दिया, बचा क्या हमारा दर इंटू समय का मूलधन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो गया। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ये हो गया हमारा किसका, ये प्रिंसिपल का फार्मूला है जिसे हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक, ये एसआई है हमारा। अब हम तीसरा फार्मूला बात करेंगे, तीसरा फार्मूला हम यहाँ से दर को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं दर, अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा साधारण ब्याज तो यहाँ पर 100 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 100 बटे, अब ध्यान से क्या हमें दर देखना है, तो दर को यहीं छोड़ दीजिए, बचा क्या मूलधन और समय बचा है, उधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा मूलधन इंटू समय। अब यहाँ पर बात करेंगे साधारण ब्याज कितना है, एसआई इंटू 100 अपन मूलधन कितना है प्रिंसिपल, और समय का कितना हो गया टाइम टी हो गया। अब ये तो दर का हो गया, बात करेंगे हम चौथा फार्मूला, हमारे पास क्या बचा है समय बचा है, तो हम समय का फार्मूला लगाएंगे, और समय हमारा क्या होता है टाइम होता है। ठीक, अगर हम टाइम की बात करेंगे साधारण ब्याज में 100 का गुणा करेंगे, किसका ब्याज गुणा करेंगे, साधारण ब्याज गुणते 100। अब साधारण ब्याज में 100 का गुणा करके समय यहीं पर छोड़ दीजिए, दर और मूलधन का गुणा करेंगे, उधर गुणा है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा दर गुणे मूलधन।
अगर हम इसका इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होगा, एसआई इंटू 100 अपान आर इंटू पी। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्या, चार मुख्य फार्मूले, किसके, हमारा साधारण ब्याज दर, मूलधन और समय। देखिए एक और फार्मूला होता है, जैसे हमें होता है तत्काल देय, क्या होता है तत्काल देय, तत्काल देय क्या होता है, ठीक है चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए तत्काल, अगर हम तत्काल धन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तत्काल धन की बात करेंगे, तो यहां पर जो देय धन होगा किसका होगा, देय धन में हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे बटे 100 प्लस आर गुणते टी, आर का हम टी में गुणा करके इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, तत्काल। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल हम क्या करेंगे इस पे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसके विषय में हम जानकारी करेंगे। दोस्तों बस आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।